व्यक्ति ने दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी से अपनी जीवन यात्रा या जो कर्म यात्रा शुरू की, आरएमडीसी, आरएसएमडीसी और आरएसएमएम तक के सोपान को चढ़ते हुए धीरे धीरे आज जिस प्रगति पर, जिस पद पर प्रतिष्ठित हुए हैं, वास्तव में ये हमारे लिए प्रेरणा का विषय है, हमारे लिए निश्चित रूप से प्रेरणा कि हमें इनके जैसा बनने के लिए सोच, मेहनत, सकारात्मक सोच, एक निश्चित आज जिस पद पर पहुंचे हैं हमें भी उनका अनुसरण करना चाहिए। हमारी तरफ से, विशेषकर मेरी तरफ से, आप सबकी तरफ से, जो मेरे सामने लोग हैं उनकी तरफ से, यदि कोई त्रुटि हो गई हो, यदि मैंने कोई अपराध, यदि क्या मैं करता ही रहता हूँ अपराध को, आज कर दिया है तो आप क्षमा करें। और व्यक्ति का स्वभाव होता है, क्रोध होता है, सब कुछ होता है, सामंजस्य होता है, वो सब तो उन सबको भूल कर मैं मेरी तरफ से, हम सब की तरफ से, मैं आपसे, मेरे कलीग, मेरे जो संपर्क उनसे क्षमा मांगता हूँ। आपके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ रहकर हमें मार्गदर्शन करते रहें, क्योंकि आपके व्यक्तित्व तो भी ऐसा ही है कि शायद आप हमें मार्गदर्शन आगे दे सकें, ऐसा मैं आशा करता हूँ। इसी के साथ मैं आपके सुखद और सुमंगल भविष्य की कामना करता हूँ। ये हमको 16 साल पहले दिखाई दे रहे थे, वैसे आज भी दिखाई दे रहे हैं। जैसे कोई किला था, उसके कुछ पत्थर निकल गए थे, तो कोई सज्जन कहने लगे कि खंडारों से पता चलता है कि इमारत बुलंद रही होगी। आज से 15 साल 10 साल बाद फिर भी परिभाषा मिले, तो इसी तरह चाहते रहे, हमारी सबकी यही शुभकामनाएं। और ये ये बहुत ही अच्छी मेहनत की है, तो जो दूसरे साथी है बैठे उनके लिए भी एक निशान है कि आदमी अगर मेहनत और इच्छा, दृढ़ शक्ति हो तो ऊंचे हद तक जा सकता है। दूसरी बात जो कही है फिजिकली है, जो फिजिकली बहुत फिटनेस है, आज 60 साल गए हैं लेकिन अभी लगते नहीं है, उसमें और बिल्कुल एकदम जैसे मैथ्यू जी कहते थे, उनके भी हाथ भी देखा साथी में एकदम फिटनेस है, ये भी एक बहुत बड़ा मतलब शरीर के लिए अच्छी बात है। बहुत आज के जमाने में नहीं तो बीपी की बहुत सारी समस्या होती है, फिटनेस बहुत अच्छी बात है, ये भी अपन को इनसे सीखना चाहिए कि भाई फिटनेस कैसे रह जा सकता आगे के लिए। और आगे से मैं भविष्य सब अपने देता हूँ उज्ज्वल, और हमको मार्गदर्शन देते रहे, पीएनडी के ज्ञान अब बताते रहे, क्योंकि रिटायर हो गए हैं तो कैसे प्रमोशन हो सकते हैं जल्दी। जैसा कि कल मेरी इनसे बात हो रही थी इनके लाइफ के बारे में, तो 1975 में यहाँ आए थे राजस्थान में साउथ से, तो जब से लेके अभी तक जो इन्होंने करियर में अचीवमेंट्स किए वो सुन के मेरे को बहुत अच्छा लगा, और एक एनकरेजमेंट भी मिला कि इन्होंने जॉब में रहते हुए डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम दिए, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के एग्ज़ाम भी दिए, एज ए लेबर वेलफेयर ऑफिसर सेलेक्ट हुए, उसके बाद जो इन्होंने अचीवमेंट्स लिए बहुत ही काबिले तारीफ है, और इनकी लाइफ से बहुत कुछ सीखने को है। मैंने अभी 3 साल के पीरियड में सर से काफ़ी कुछ सीखा है और अभी बहुत कुछ सीखना है, तो बहुत अच्छा अचीवमेंट है इनकी लाइफ में। आई एम वेरी थैंकफुल टू हिम, इन्होंने जो मुझे सिखाया बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू। ये इंगित करता है कि इन्होंने जिस काम को किया उस काम को पूरी तरह से, उसमें जो डेडिकेशन होना चाहिए उस डेडिकेशन के साथ उस काम को किया, और ये मैं सबसे बड़ी खूबी मानता हूँ। आदमी प्रमोशन लेता है, वो लेता है, ये तो सर्विस के अंदर आदमी आता है, तो आरएसएमएम में मान लो आपका टाइम स्केल प्रमोशन है तो आदमी प्रमोशन पाएगा। सरकार के अंदर तो सीनियरिटी के बेसिस पे प्रमोशन होते हैं, तो आप काम करो नहीं करो प्रमोशन तो मिल ही जाता है, लेकिन काम को करने की इच्छा और उसके अंदर जो डेडिकेशन है वो एक सबसे बड़ी बात है, वो पूरी बात की खूबी। एक व्यक्ति ऐसा होता है जब जाता है तो लोग कहते हैं अच्छा हुआ जाए, दूसरा जब वहां से जाता है तो लोगों को दुख होता है।
आज अपन यहाँ बैठे हैं तो मुझे नहीं लगता कि किसी आदमी को ये हुआ कि अरे यार ये आदमी चला गया ठीक है, हर आदमी ये कह रहा है यार धोनी पास जी बहुत अच्छा है, तो ये इनकी दूसरी सबसे बड़ी। तीसरी जो इनकी खूबी है वो है इनका शांत स्वभाव। हो सकता है आप लोगों के साथ कभी उत्तेजना पूर्वक व्यवहार रहा होगा, पर मैंने नहीं देखा। मैंने जब भी कई बार ऐसा काम पड़ा मुझे कभी मान लो गुस्सा भी आ गया तो इन्होंने अपने शांत स्वभाव की वजह से उस चीज को कभी आगे बढ़ने नहीं दिया, और ये इनकी तीसरी सबसे बड़ी खूबी है। तो जो सीखने वाली चीज़ है वो ये है कि एक तो जो काम के प्रति इनका डेडिकेशन, दूसरा काम के उनका नॉलेज, तीसरा लोगों से जो कॉर्डियल रिलेशन बनाना, और चौथा शांत स्वभाव। ये चारों चीज़ें अगर हम भी आपके साथ करें इनसे सीखने को मिलेगा। काम के प्रति कंप्रोमाइज नहीं करते हुए भी परिवार को पूरा ध्यान दिया। दो तरह के लोग होते हैं, एक तो काम के प्रति डेडिकेटेड हो गए परिवार का बिल्कुल ध्यान नहीं देते, और दूसरी तरह के लोग होते हैं जो परिवार के लिए ध्यान देते हैं काम को बिल्कुल भूल जाते हैं, अपने खुद के कोई अपने धंधे में लगा रहता है, ड्यूटी की तरफ ध्यान नहीं देता। इन्होंने काम का और परिवार के बीच में जो सामंजस्य होता है वो इतना अच्छा बैठाया। छुट्टियों में भी जाते थे, पिलग्रिमेज पे भी गए, अपना सोशल सर्कल भी मेंटेन रखा, लेकिन उसके साथ भी काम भी पूरा किया। तो ये सब चीजें जो है ये इनके जिसको कहते हैं बहुमुखी व्यक्तित्व, वो बहुमुखी व्यक्तित्व के धनी है। मेरा तो खैर व्यक्तिगत संबंध रहा इनसे, और इनका या इस कंपनी से जाना कम से कम इस एसपीयू के लिए एक क्षति तो है ही, मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से भी क्षति है, क्योंकि इतने वर्षों से हमारा जो संबंध था उसकी वजह से आपस में एक दूसरे का विश्वास भी जम गया था। मुझे ये भी उम्मीद है कि इस एसपीयू में किसी व्यक्ति को इनकी वजह से कोई परेशानी नहीं हुई। इन्होंने हर व्यक्ति के बारे में अच्छा सोच के प्रमोशन के लिए, लोगों के भले के लिए हम मुझे प्रस्ताव रेगुलर दिए। इनसे आशा है कि अब क्योंकि आप पारिवारिक जीवन जीने वाले हो तो परिवार के साथ में यहाँ के जो भी लोग हैं उनका और यहाँ का जो काम है उसके बारे में भी थोड़ा बहुत ध्यान दे के सामंजस्य बिठा देते हैं। यहाँ के लोगों को भी मीना साहब नए आए, नए आदमी से हम ये एक्सपेक्ट नहीं करते हर चीज उसको साल दो साल में आ जाए, तो कभी किसी चीज़ के बारे में गाइडेंस हो, कोई चीज़ बतानी हो वो बताते रहें, क्योंकि अभी आप फिलहाल जोधपुर में रहेंगे तो अपनी जितना इस कंपनी से नॉलेज गेन किया है उसको अपने लोगों में बांटें, यही मेरी इनसे आशा है। बच्चे इनके बहुत अच्छे हो गए, ये भी इनका क्रेडिट है, अच्छी एजुकेशन दी, अच्छा उन बच्चों का लालन पालन किया। इनमें हेल्थ के बारे में तो सबने कहा, तो ये तो एक इनहेरिटेज है, जैसे मैथ्यूज के बारे में था ना, मैथ्यूज आज भी 50 के आसपास ही लगता है, तो वैसे भी ये भी अपनी एज से कम ही लगते हैं। मैं आप सब लोगों की ओर से इनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ। धन्यवाद। नो प्रॉब्लम। सो यू ऑल स्पोक अबाउट मिस्टर पुनिपास। आई एम ऑल्सो फ्रॉम द सेम विलेज, दैट इज तमिलनाडु कडगुलम, फ्रॉम दैट विलेज, एंड वी आर very close neighbors and family relations, everything. आप लोग सब अपने अपने आइडिया बताया मणिपास जी के बारे में, एंड प्रोहित जी बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया है। By hearing all these things, ये सब सुन के मुझे बहुत
चल रहा है. आई एम वेरी हैप्पी टू लिसन ऑल दीज थिंग्स बिकॉज फ्रॉम दिस स्मॉल विलेज, ए स्मॉल विलेज कडागुलम, देयर ही गॉट बर्थ इन 8th February 1952 and studied there only in the colleges and the schools. All the graduation everything he completed there. So that time onwards he was an active member over there. For village mein jo kuch vyakti se hum puchenge to ye bolenge matlab bahut active hai, koi bhi karya hota hai matlab social work aur committee banaga, even dance karna, koi bhi chote mote विलेज में काम करना सब. 1975 में इधर आया राजस्थान. तो हम लोग को राजस्थान ऐसे जगह पर आना बहुत डिफिकल्ट है, हमें कोई नया जन्म लिया हुआ वैसे लगेगा, क्योंकि लैंग्वेज तो हमारा पेपर नॉट नोइंग. तो दिस मच दिस प्लेस ही केम एंड आई से स्टेप बाय स्टेप he made the big steps in his life and achievement and all the peoples ek dusre ke sath relationship sab acha maintain kiya. Iske sath gaon mein sare logon ke sath inka relation always he maintained the relationship and keeping very good relationship, helping others, and this is his motive. And his parents, his family also very big family, three sisters and three brothers, and mother is there still, and father mother brought him in very faithful background, faith over God, so that all supported him. So me again Munipas, I will call him brother. Munipas brother ko bataya, hamara gaon mein bhi aise ek meeting laga ke sabko batayenge, matlab itni dur jaake इतना अचीवमेंट किया है, भाषा नया सीखा एंड प्रमोशन सब लेके बहुत मेहनत करके इतना रिलेशन, आज इतना रिलेशन बनाया, वो सब लोगों को बताना चाहिए, ऐसे में बोलता. एक्चुअली आई एम वेरी हैप्पी टू अटेंड दिस रिटायरमेंट प्रोग्राम एंड दिस लास्ट 36 years द वर्क ही हैज कैरीड आउट इन दिस Rajasthan Mines Limited and all the works he does here by leaving the native place. It's a great blessing and I want to thank this Almighty God and all the children he got, two son and one daughter. Myself also, मुझे भी इन्होंने लेके आया, जैसलमेर में थे 96 तो वहाँ कोई स्कूल में वो टीचर उसमें मुझे लेके आया होगा, तो उनको लाइफ लेके मैं आई ऑल्सो गॉट इंस्पिरेशन, तो मैं भी एक अच्छा पोजीशन में हूँ फैमिली में एज ए टीचर विद फैमिली आई सेटल देयर. तो इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट एंड चिल्ड्रन ऑल माय स्टूडेंट्स दे वर एंड वेल मैनर्ड एंड वेल डिसिप्लिन एंड स्टडीइंग वेल एंड डूइंग सर्विस ऑल्सो वेल. So these all because of his hard work and dedication. So my bottom of my heart, I pray to Almighty God the same happiness he may, God may provide the coming days too, and throughout his family, relatives, and everybody. Once again, I thank you each and every one of you here. Thank you very much. देखा
अन्य साथियों मुझे मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि इतने बड़े बड़े शब्दों से मुझे तारीफ कर दिया कि मतलब मेरे ऊपर ही अभी डाउट हो रहा है कि अगर आई एम एलिजिबल फॉर ऑल दिस थिंग ये है या नहीं है, मतलब झूठी तरी तो नहीं हो रहा लेकिन बहुत धन्यवाद आप लोगों के लिए। इस अवसर पर अभी थोड़ा जल्दी है नहीं तो मेरे को बहुत कुछ कहना है कि ये 36 साल मैंने राजस्थान को इतना प्यार किया, रियली बहुत मेरे अटैचमेंट हो गया क्योंकि मैं यहाँ आया राजस्थान में 24 साल में आया, जब एकदम पूरा जवानी राजस्थान में निकाल दी, अब बुढ़ा हो गया तो उसके बाद में जो है मैं जब आया था तो क्योंकि हमारा जो डिफिकल्टी से जानता इसलिए सही कह रहा है कि इधर आने के बाद न्यू बैकग्राउंड जस्ट लाइक दैट, यहाँ से कोई आदमी इंग्लैंड चला जाता वहाँ जाके सेटल होता तो क्या वहाँ की लैंग्वेज कल्चर और ये क्लाइमेट एंड एवरीथिंग इज डिफरेंट फ्रॉम आवर नेटिव प्लेस, इवन ड्रेसिंग ऑल्सो करते रहना रजाई अपनी कभी देखा ही नहीं जिंदगी में ठीक है, रोटी में आकर के देखा ठीक है, हम चावल खाते थे चावल का ही सारे जो भी बनता था चावल चावल का, तो इस प्रकार की बहुत बिल्कुल न्यू एक्सपीरियंस। और मेरे मैं आया तो 24 साल अब यहाँ 36 साल हो गया तो उससे ज़्यादा एक्सपीरियंस मेरे यहाँ हो गया, तो राजस्थान के प्रति मेरे काफ़ी अटैचमेंट हो गया, तो मैं अभी जो है आप लोगों से जाने की इच्छा नहीं रही तो इसलिए भी बहाना बना के सरकार के लिए गली आ गया देखने की आ रहने के लिए, तो इसलिए आप लोगों के साथ जो है मेरे बहुत प्यार किया, आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, तो कुछ चीज़ मैं आपको यहाँ पर कुछ फाइंड आउट करना चाहता हूँ। तो अभी मैं आया उस टाइम में डेली वेजेस पे 7 रुपीज पर डे में जाएंगे, उसके बाद मेरे काम ये था मुझे कुछ सीखना है, आई हैव टू इम्प्रूव माई सेल्फ ठीक है ना, जब ये हम जो लाइन लग रही है उसमें से कुछ अलग से अपन जाएंगे तो और आगे जा सकते हैं, तो मैंने टाइप सीखा प्राइवेट में जाकर के, तो सीख करके कुछ टाइपिंग का मुझे टाइपिंग आने लग गया, तो एक रमेश वजादी करते थे उन्होंने मेरे को उसकी अपॉर्चुनिटी दिया, जल्दी थोड़ा आगे आ गया, उसके बाद मैंने मतलब जो है अपने प्रमोशन वगैरह जो भी हुआ जो अपॉइंटमेंट हो गया रेगुलर जयपुर मेरे पोस्टिंग हुआ, वहाँ जाने के बाद मुझे लगा कि मेरे को कुछ पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन लेबर ला करना है उससे और इस लाइन से हट करके और आगे जा सकते हैं, तो उसको मन लगा करके पढ़ाई की, उसके बाद डिप्लोमा किया, तो डिप्लोमा करने के बाद में कुछ अपॉर्चुनिटीज आया लेवल पर अभी का वो अपने हाथ में नहीं लगा, तो इन द मीन टाइम डिपार्टमेंटली अकाउंटेंट की टेस्ट हो रहा था उसके लिए मैं प्रिपेयर किया इवनिंग क्लास अटेंड करके उसके लिए, क्योंकि मैं साइंस ग्रेजुएट था तो कॉमर्स को कुछ पढ़ाई किया, फिर कॉम्पिटिशन एग्जाम दिया उसमें मेरे फर्स्ट मार्क आया था डिपार्टमेंटल एग्जाम में, तो मैं अकाउंटेंट में पास हो गया, तो फिर अकाउंटेंट की पोस्टिंग हो गई, फिर वो डिप्लोमा की वजह से फिर लेवल वर्कर ऑफिसर में भी सिलेक्शन हो गया, तो उसके बाद मैं असिस्टेंट मैनेजर बन गया तो उसी क्वालिफिकेशन से, तो मैनेजर के बाद में एक क्लास आया कि आरसम में अगर पोस्ट ग्रेजुएट फिर डिप्लोमा है तो 5 ईयर्स में प्रमोशन होगा अदरवाइज 7 ईयर में होगा, तो पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेते हैं, तो मैं पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए फॉर्म भर दी, सुबह नियमित बनाते 5 बजे से 8 बजे तक मेरे को पढ़ना है, तो उस टाइम में मैं रेगुलर पढ़ता रहा, उसमें 79% लिया मैं उस इन दौरान मेरे को जैसलमेर पोस्टिंग हो गया था, तो मैं और लाल जी हम एक कमरे में रहते थे, तो मैं पढ़ता रह गया यार क्या बुढ़ापा में क्या पढ़ रहा है बंद करो, तो मैं एक टेबल लैंप रख करके अलग से आप डिस्टर्ब नहीं आप सो, तो मैं पढ़ता था पढ़े करके पोस्ट ग्रेजुएशन किया उसी टाइम में प्रमोशन किया, अभी मेरा प्रमोशन में से अगर 5 साल का होता तो मैनेजर बन जाता, लेकिन 2 साल बढ़ा दिया तो क्या 6 महीना कम हो गया 7 साल में,
तो कोई बात नहीं, तो है पूरा। तो उसी हिसाब से हर जगह पर टारगेट बनाकर के काम किया, पढ़ाई तो सब लोग ये ध्यान रखना कि अपने को आगे बढ़ना है, क्या करना, कुछ अपने में एक स्पेशल क्वालिटी दिखाना है, 19 की जगह 21 करना पड़ेगा, तब तो जाकर के इस दुनिया में जो है जो कॉम्पिटिशन है उसमें थोड़ा आगे बढ़ सकते हैं। तो ऐसा करते करते आगे आए, सब लोगों की सपोर्ट थी, भगवान की मर्जी भी थी, तो हर जगह पर मेरे क्या एक सेटिस्फेक्शन रहता था। लोग मतलब ये सोचते ये नहीं वो नहीं, इससे और मिलता तो अच्छा था, इससे और मिलता तो अच्छा था, मेरे को नहीं सेटिस्फेक्शन इस हर चीज़ को, ठीक है। तो ये मेरे को बोलना है, अपने उस हिसाब से मैं आपको इस अवसर पर कहना चाहता हूँ, इस मेरे आरसम डीसी आरसम इस पीरियड में मेरे को कुछ काम सिखाने वाला में एक रमेश ओझा जी थे, उसके बाद में एक पीआर स्वामी जी थे, अकाउंट्स के काम सिखाया, एक भट्टाचार्य जी थे, तो इस प्रकार की कुछ और भी गिनूंगा। तो जालोर में मेरे आने के बाद में जो अकाउंट्स में काम करता था उस टाइम में पुरोहित साहब के दूर रह करके मेरे को कुछ मिला गाइडेंस। उसके बाद में लकीली यहाँ आए तो क्या नजदीक रहने से मेरे को अगर ये अपॉर्चुनिटी पहले मिल क्यों नहीं मिला, मेरे को ये एक फील करने लगे कि पहले होता तो मैं और भी कुछ तरकीब कर सकता था, मुझे नहीं तो है ना इतनी इतना प्रेरणा इतनी मतलब कुछ सिखाने की या काम करने की अच्छी है, इनसे सीखने का, सीखने वाला तो अच्छे से सीखता है लेकिन ऐसा मौका और मिल जाए तो और मतलब अपॉर्चुनिटी। तो इस प्रकार की इस दौरान कई बार हमारे जो काम है ऐसा किसी के अच्छा काम भी करना पड़ता है, कुछ बुरा काम भी करना पड़ता है, किसी के चार्जशीट भी दे दिया, इंक्वायरी भी करते हैं, कुछ भी करते हैं, जो हमारे काम ऐसे है, तो कुछ लोग नाराज भी है कुछ राजी भी है। तो ऐसा काम करते करते किसी भी किसी को भेदभे गलत कह दिया वो गलत कर दिया वो जाने अनजाने में, तो कुछ चीज़ों को आपको आपसे क्षमा मांगता हूँ, तो उसको भूल जाए। और मैं आप लोगों के राजस्थान की जो है मेरी इज्जत है वो कभी नहीं भूलूंगा, ठीक है। तो आप लोग हमारे साथ हैं, तो ये कह करके आप लोग जो जो किया है था उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।
ख्याल सब